बाढ़ और बारिश के बीच देश के 17 राज्यों में जारी हुई बड़ी चेतावनी। अगले 3 से 4 दिन तक रहे सावधान, बारिश बरपा सकती है कहर। बारिश ने अब तक लाखों लोगों को संकट में डाला, अब बड़े खतरे की बारी है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक इन दिनों बारिश कई राज्यों में कहर बरपा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश के साथ बादल फटने और पहाड़ दरकने की घटनाओं में तेजी आ गई है, जिसके बाद अब देश के 17 राज्यों में बाढ़ और बारिश की बड़ी चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें बिहार समेत 4 राज्यों के लिए रेड अलर्ट और 3 के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार में बाढ़ की स्थिति पर बात करें तो बिहार में कोसी, बागमती, गंगा, कमला बलान समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नेपाल से भी गंडक नदी का पानी छोड़े जाने के बाद बिहार में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इतना ही नहीं, पश्चिमी चंपारण जिले के कई गांवों में पानी घुस गया है। लोग भोजन और पानी के लिए तरस रहे हैं और सड़कों पर तंबू लगाकर रहने को मजबूर हो गए हैं। अब आपको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हालात दिखाते हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण पहाड़ दरकने लगे हैं। पिछले 3 दिनों में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे और जोशीमठ के पास 3 बड़े पहाड़ बारिश के कारण टूटकर हाईवे पर आ गए। इस वक्त उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में कम से कम 200 सड़कों पर यातायात पूरी तरह अवरुद्ध हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, कांगड़ा, कन्नौर और कुल्लू जैसे जिलों में हल्की बारिश हुई है, जिस कारण 28 सड़कों पर यातायात ठप हो चुका है। इसके अलावा असम बाढ़ का सितम झेल रहा है। अभी भी असम के 26 जिलों में 17 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। किसानों की फसलें डूब चुकी हैं। बाढ़ से अब तक वहां 84 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा भूस्खलन और आंधी तूफान में भी 13 लोगों की जान चली गई है। न्यूज़ रिपोर्ट india.com।